दोस्तों अक्सर जब भी हम पबजी मोबाइल में हम TDM मैच खेलते हैं तो उनमें क्या होता है कि हमें बार बार स्कारेल का ही गन बार बार मिलते रहते हैं, तो हम उसे चेंज करने की कोशिश करते हैं लेकिन हम मैच में नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आप उस गन को आप चेंज कर सकते हैं, स्कारेल को उसकी जगह आप कोई भी गन को पकड़ सकते हैं और उससे खेल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ, तो अगर आपको भी जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको आ जाना है मैप पर। मैप पर क्लिक कर लेने के बाद गाइस आपको यहाँ से ईवो ग्राउंड पर आ जाना है और यहाँ से आपको TDM वेयर हाउस पर आपको क्लिक कर देना है। वेयर हाउस पर क्लिक कर लेने के बाद गाइस आपको यहाँ पर आप राइट साइड पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर टीम डेथ मैच का एक ऑप्शन है लेआउट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आपको क्लिक कर लेने के बाद गाइस आपको यहाँ पर चार ऑप्शन आ जाएंगे। फर्स्ट है यहाँ पर आपको स्कारेल शो हो जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है गन पर और यहाँ से आपको जो गन चाहिए वो गन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कोई भी गन सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर इक्विप पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक कर देंगे तो ये गन यहाँ पर सेट हो जाएगा। उसके बाद गाइस आपको टू पर आ जाना है और यहाँ पर आप कोई भी गन सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पर भी आप ग्रोजा पर क्लिक कर यहाँ से आप कोई भी गन क्लिक कर लीजिए और यहाँ से इक्विप पर आप क्लिक कर दीजिए। इसे आप क्लिक कर देंगे तो ये गन सेट हो जाएगा। उसके बाद आप इसे क्लोज कर दीजिए। उसके बाद आप जैसे ही पबजी मतलब आप TDM मैच खेलेंगे वहाँ पर आपको गन के साइड में लेआउट पर क्लिक करना है और यहाँ से वहाँ से आप कोई भी गन को सिलेक्ट कर लीजिए। वहाँ से आप सिलेक्ट कर लेने के बाद गाइस आप कोई भी जो गन आप सिलेक्ट करेंगे उससे आप खेल सकते हैं और याद रहे कि आप जब मरेंगे तभी आप गन को चेंज कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।